जो भी इंसान यहाँ से खड़ा होता है या यहाँ होता है राजनीति में, वो इन सबके लिए मालिकाना हक वॉज ऑन द टॉप ऑफ आर लिस्ट। मतलब बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती सरकारों से, लेकिन हमारा तो दायित्व है कि हम लड़ें उसके लिए। बिल्कुल साथ में लड़ते थे हमेशा शुरुआत से। मैं लगता कि चंडीगढ़ की राजनीति दे विच एक इरा जड़ा हैगा वह वो समाप्त हो गया। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर चंडीगढ़ की राजनीति का भीष्म पितामह अगर कोई है तो वो शायद हरमोहन धवन जी ही थे। और उन्होंने छोटी छोटी चीज का, छोटे छोटे एरियाज का, लोगों के साथ एक उनका पार्टीज के बियॉन्ड, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक रुकावट होंदी है कि बियॉन्ड दैट जाके लोग गल नहीं कर पाते। लेकिन वो एक ऐसे इंसान सिगे कि जड़े पॉलिटिकल जड़ी है डिफरेंसिएशंस दे बियॉन्ड भी जाके वो दूसरे नु भी गले लगा लेंदे सिगे। और उनके अगर दोस्त देखा जाए तो शायद हर पॉलिटिकल पार्टी में, चंडीगढ़ के अंदर तो खास तौर के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी में उनके दोस्त थे। और कॉलोनीज एरिया का गरीब लोगों के तो मसीहा माने जाते थे। मेरे को पर्सनल तौर के ऊपर, क्योंकि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर आया था, तो तब मेरे को कहते थे कि यार मैं बढ़िया पार्टियां च मैं हो लिया, हूं मैं चाहना कि जिस दिन मैं जावा ना ते मेरे ते भारतीय जनता पार्टी का झंडा उदते होना चाहिए। लेकिन फिर वो 2019 दे के चुनाव के वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनके मन की इच्छा ऐसी थी कि वो बीजेपी में ही रहते। और 9 साल शायद सबसे ज्यादा उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर समय बिताया, और मुझे पर्सनल तौर के ऊपर बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और यहां तक कि कई बार हमारी बात का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता था तो कई लोग तो ऐसे हैं कि वो आपसे बात भी नहीं करते उस मौके के ऊपर, आपसे मिलना तो दूर की बात है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस वक्त मैं अध्यक्ष बन के आया तो हालांकि वो किसी और व्यक्ति को चाहते थे, लेकिन मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया तो घर के आंगन में उन्होंने लड्डू का डब्बा मंगाया हुआ था और मेरे को लड्डू खिला के उन्होंने मेरा स्वागत किया और कहा कि यार आज साडा अध्यक्ष तो तू ही है। सो इतना लार्ज हार्टेड जिसको कहा जा सकता है, ये उनकी एक ऐसी शख्सियत थी। आज उनके जाने से जहां मेरा पर्सनल लॉस है, उसके साथ ही साथ एक चंडीगढ़ का एक कलेक्टिव लॉस चंडीगढ़ का भी।